हेलो दोस्तों, देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। बढ़िया सिंपल प्रश्न है। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स इज, मतलब हमें 3 साल के अंदर में एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और प्रिंसिपल अमाउंट भी दे रखा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो बनेगा 3 साल के अंदर में उसके बीच की अंतर बताना, यानी हमें डिफरेंस बताना। कैसे बता पाएंगे इस चीज़ को हम लोग समझेंगे और काफ़ी ईजिएस्ट वे में हम बताएंगे। दोस्तों 10% को हम लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, 10% को लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 10 यूनिट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, और 1 यूनिट जो हो गया वो क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका रेशियो वाला, रेशियो मेथड भी है कि जो 10 यूनिट है प्रिंसिपल अगर 3 साल के लिए अगर बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके एक्चुअल जो प्रिंसिपल अमाउंट निकालते हैं वो क्यूब करके निकालेंगे। 3 साल है तो 10^3 कर देंगे। अगर वही 2 साल के लिए होता तो 10^2 करते हैं, और अगर 1 साल के लिए होता तो 10 होता। तो 1 साल का तो मैटर ही नहीं करते, तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यही देखते हैं कि अगर 4 साल के लिए होता तो 10^4 होता। ये मेथड काफ़ी सिंपल और काफ़ी ईजी है दोस्तों। तो 10^3 किए तो ये हो गया 10,000। अब ये 10,000 प्रिंसिपल मानते हुए हम लोग 3 साल के लिए क्या निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 10-10 हज़ार, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही है। तो सब में कितना आएगा, 10-10 हज़ार ही आएगा, सॉरी 1-1 हज़ार ही आएगा। तो 3 सालों में जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ वो 1-1 हज़ार है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो पहला साल के लिए तो कंपाउंड सिंपल दोनों सेम होगा। जैसे हम दूसरे साल के लिए गए तो इस पे 10,000 पे एक तो ये लग गया 1,000, ये 10%, और जो पहले का इंटरेस्ट था पिछले साल का 1,000 उस पे भी तो 10% लगेगा। तो उस पे 10% लगेगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब उसके बाद आगे देख लेते हैं कि अब तीसरे साल की अगर बात करें तो 10,000 पे 10%, उसके बाद 1,000 पे 10%, तो 1,000 पे 10% कितना हो गया, 100। और फिर इस 1,000 पे 10% दूसरे साल वाला का, पहले वाला का फिर दूसरे वाला का हो गया, और फिर ये जो 100 बढ़ा था दूसरे साल में एक्स्ट्रा, उस पर भी तो 10% लगेगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट है ये। तो जो इंटरेस्ट बढ़ा हुआ वो सभी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जुड़ेगा, ठीक है, सभी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जुड़ेगा। या फिर अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप सीधे सी इंटरेस्ट देख लीजिए कि आपके पास कितना इंटरेस्ट है, इतना इंटरेस्ट ये हो गया, और ये आपका प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल पर तो 10% 1,000 लग गया, और ये 2,100 का ये लग गया आपका 10%, जो कि हो गया 210, आप निकाल के देख सकते हैं। तो ये 210 हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के अलावे कंपाउंड इंटरेस्ट कुल इतना हुआ, 100, 100, 100 और 10, यानी 310। तो 310 यूनिट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। तो हम लोग यूनिट में डिफरेंस निकालिए दोनों के बीच के, यूनिट में समझने में टाइम लगता है लेकिन बनाने में नहीं, ठीक है। और 10% की बात होती है तो हम लोग डायरेक्ट भी पता रहता है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस 310 यूनिट का होता है। सीधी सी बात है, हम लोग की बात पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को ये बात क्लियर हो चुका है कि 310 यूनिट है, तो 310 यूनिट क्या हो गया, 310 यूनिट डिफरेंस हो गया। अब हम लोगों को 1 यूनिट का मान निकालना, फिर ये पॉसिबल हो पाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 5,000 है, और यूनिट में कितना है, 10,000 है। तो 10,000 को कंपेयर करेंगे 5,000 रुपये से, ठीक है। तो 1 यूनिट का जो मान होगा वो 1/2 रुपये होगा, ठीक। और 310 यूनिट वही डिफरेंस निकाले, वही निकालना ही हमको, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं सामने। तो 310 गुणे का 1/2 रुपये में चेंज होगा, 155 रुपये। तो ये रुपए में 155 ही ना हुआ भाई, तो 155 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। काफ़ी सिंपल और इजी है ये मेथड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कैलकुलेशन नहीं करना है, और डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इजी हो जाता है, इसकी वजह से हमने ये मेथड आपको बताया। बाकी आप, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा या समझने में परेशानी हो रहा होगा तो आप बिल्कुल कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।